गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड सेल्फ प्रैक्टिस 3B एंड टुडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 3C. ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 3C में बच्चों आप जब देखेंगे पेज नंबर 57 पर और पेज नंबर 58 पर, तो आपको यहाँ पर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम रिलेटिव्स, ओके, इन एंड परफेक्ट नंबर्स, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसकी स्टडी कर लीजिएगा. तो उन्हीं के बिहाफ पर हम अपनी ये सेल्फ प्रैक्टिस 3C कंप्लीट करेंगे. डिटरमाइन वेदर ईच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है. तो चलिए एक बार हम जल्दी से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को जान लेते हैं. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 1 फैक्टर. मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हो और उसका जो फैक्टर हो ओनली वन फैक्टर हो, तो इट दैट टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर. ओके, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर 1 को छोड़ के, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे. बहुत ईजी है. जो प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, और जो कंपोजिट नंबर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. ओके, तो चलिए हम देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 35, तो आपको बताना है कि 35 क्या होगा, कंपोजिट होगा या प्राइम होगा. ओके, तो 35 बच्चों आप जब देखेंगे तो 35 क्या होगा बच्चों? ये कंपोजिट नंबर होगा. क्यों? क्योंकि 35 5 की टेबल में भी आता है, 35 17 की टेबल में भी आता है, सॉरी 35 5 की टेबल में आता है, एंड और भी टेबल्स जो हैं उनके अंदर 7 की टेबल में भी 35 आता है. ओके, तो इट मींस कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इट मींस दैट विल बी कंपोजिट नंबर. ओके, तो हम लिख देंगे 35 इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसे. 35 इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. बी पार्ट 29 बच्चों इसका ओनली 1 फैक्टर है, तो दैट मींस दैट विल बी प्राइम नंबर. तो ये क्या हो जाएगा, 29 इज़ अ प्राइम नंबर. ओके, नाउ इसके बच्चों हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, क्यू तक हैं, तो आप इन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी पार्ट आपको अभी सॉल्व करके दिखाया, उसके अकॉर्डिंग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द हेल्प ऑफ सीव्स ऑफ एस्टोन्स आंसर ऑफ द फॉलोइंग. इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें बता रखा है, ए पार्ट है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20. जो 20 से कम वाले नंबर है उनको प्राइम, जो प्राइम नंबर है उनको सेपरेटली लिखना है और कंपोजिट नंबर को सेपरेटली लिखना है. तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं. मैंने पहले 1 से 20 तक नंबर लिख लिए बिकॉज हमें 20 से लेस देन वाले करने हैं, तो मैंने 1 से 20 तक नंबर राइट डाउन कर लिए हैं, और इनमें जो प्राइम नंबर है उनको मैंने मार्क कर लिया है. तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ओके, तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर है, मैंने लिख भी लिया, सेपरेटली भी राइट डाउन कर रखा है. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आर प्राइम नंबर. उसके बाद जो हमारे नंबर्स बचेंगे जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 आर कंपोजिट नंबर्स. ये कौन से नंबर्स होंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर्स होंगे. सेकंड पार्ट जो है उसमें हमसे पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10. 1 और 10 के बीच में जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है वो हमें बताना है. तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में 7 होगा. ओके, 7 के बाद 8 आता है, वो को प्राइम कंपोजिट होता है. 9 आता है, वो भी कंपोजिट होता है. 10 इज ऑल्सो कंपोजिट. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम. हमें 7 कंसिक्यूटिव नंबर का, 7 कंसिक्यूटिव नंबर हमें बनाने हैं. लिस्ट ऑफ 7 कंसिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम. ओके, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96. अंडरस्टूड, कंपोजिट का मतलब होता है लगातार. ओके, जो सीक्वेंस में हो, जैसे 90 के बाद 91,
91 का 92, दिस इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव. अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम. इनमें से कौन सा जो पेयर है वो को प्राइम है. जैसे 9 एंड 12 है, तो जब हम 9 और 12 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो 9 का फैक्टर हमारा आता है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 12 का फैक्टर आता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो दिस मीन्स वी कैन से देयर कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 3. इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है बच्चों? 1 और 3 है. सो 9 एंड 12 आर नॉट अ को प्राइम. जो 9 और 12 है वो को प्राइम नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा है ऐसे ही इसका बी पार्ट है. बी पार्ट को भी आपको क्या करना है, इनके भी आपको पेयर्स फाइंड आउट करने हैं. जैसे अभी हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करे, चलिए मैं ये वाला पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ. 18 एंड 35, जब मैंने 18 का फैक्टर फाइंड आउट करा, तो हम फैक्टर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. 18 का 2 से 9, 3, 3, 3, 1. ओके, 1 तो हमारा पहले स्टार्टिंग होता ही है. 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 18. ऐसे ही 35 का फैक्टर निकाला, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई सॉरी 5 मल्टीप्लाई 7. जब हम इसमें देखेंगे तो हमारा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है. दैट्स वाई दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स वी कैन से कि 18 एंड 35 आर को प्राइम. ओके, अंडरस्टूड? 18 और 35 क्या होंगे बच्चों? को प्राइम होंगे. को प्राइम में 1 के अलावा उनका कोई और, उनके जो फैक्टर्स है वो कॉमन नहीं होते हैं. दैट टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. ओके, हमसे नेक्स्ट वाले में पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, हमें बताना है. इसमें बच्चों ओनली बी एंड सी आर ट्विन प्राइम होगा. जो बी और सी है वही केवल ट्विन प्राइम है, बाकी ट्विन प्राइम नहीं है. ट्विन प्राइम की डेफिनेशन आपके बुक में पेज नंबर 58 पर दे रखी है, मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ. प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. जिनका डिफरेंस 2 हो वो बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों ट्विन प्राइम. जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देखेंगे 19 के बाद क्या आता है, 20, 21, फिर 22, तो इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है. बी वाले में 5 के बाद 6, 7, 2 के बाद ही अगला नंबर, तो इट मीन्स दिस इज ट्विन प्राइम. सी वाले में भी जब आप देखेंगे 59 का 60 और 61, सेकंड नंबर जो है वो 61 है, तो इस टाइप के नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 3C. हम अपने नेक्स्ट क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 3D कंप्लीट करेंगे. ओके, आज का जो आपका होमवर्क है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करके रखना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास.